हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तो आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक दैट इज फिश टेक्निक सो हमारी इंडिया में जो है इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल विच कंज्यूम फिश एज अ फूड हमारे इंडिया में ही नहीं ऑल द द वर्ल्ड फिश फिश एंड प्रोडक्ट्स दे आर कंज्यूम्ड बाय पीपल फिश इट इज वेरी मच यूजफुल बिकॉज इट हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन इट और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है एंड इट इज इजीली डाइजेस्टिबल

उनके बॉडी का जो है डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज वाई द फिश प्रशन इट इज इम्पोर्टेंट सो देर आर नंबर ऑफ टेक्निक्स आर नंबर ऑफ़ विच फिश प्रवेशन कैन टेक्स प्लेस फिश जो है फिश डाइज ऑल द बैक्टीरिया दे इमीडिएटली अटैक ऑन द बॉडी

सो सबसे पहला मेथड आता है दैट इज चिलिंग और यू कैन से रेफ्रिजरेशन ये सबसे बेसिक मेथड है फिश को प्रिजर्व करने का इन जीरो डिग्री सेल्सियस जिसके वजह से जो है फिश उसका डिकम्पोजिशन जो है इट स्लोस डाउन एंड वी कैन प्रिजर्व द फिश फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन सो हियर द फिश डिकम्पोजिशन जो है वो रिड्यूज हो जाएगा वो स्लो डाउन हो जाएगा एंड द आइस इट इज द बेस्ट मटेरियल व्हिच इज यूज्ड इन फिश प्रिजर्वेशन सो होता क्या है कोई भी अगर कंटेनर्स में हम रखते हैं हियर देयर आर फर्स्ट लेयर ऑफ आइस देन द नेक्स्ट लेयर ऑफ फिश देन द लेयर ऑफ आइस एंड देन द लेयर ऑफ फिश सो इस तरीके से अल्टरनेट लेयर्स ऑफ फिश एंड आइस दे आर केप्ट इन क्लोज्ड वेसल्स सो दैट द जीरो डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर कुड बी मेंटेन और अगर लार्ज साइज फिश प्रेजेंट है, तो उनके प्रिजर्वेशन के लिए जो है, उनके बॉडी के अंदर थ्रू द माउथ द आइस पीसेस या तो फिर आइस क्यूब्स को डाला जाता है एब्डोमिनल कैविटी में ताकि बाहर से भी जीरो डिग्री सेल्सियस रहे और फिश के बॉडी के अंदर भी जीरो डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहे

और ये ज़्यादा इफेक्टिवली भी है लेकिन उतना ही महंगा है उतना ही कॉस्टली भी है सो बिफोर फ्रीजिंग सबसे पहले फिश को जो है वॉश किया जाता है एकदम अच्छे से और फिर उनको जो, जो है माइनस एटीन डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है लंबे समय के लिए और यह फिश के प्रिजर्वेशन के लिए फिश इट इज ऑलवेज फ्रेश और इसीलिए इनका लंबे समय तक डीप फ्रोजन कंडीशन में इनको रख सकते हैं पहले डीप फ्रीजिंग के पहले द फिश द हेड इट इज दिमूव सो प्रायर टू कीप द फिश इन दिस डीप फ्रीजिंग पहले फिश का हेड रिमूव कर देना पड़ता है ताकि इनका जो स्पॉइलेज का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाए एंड हियर दिस इज हाउ द फिश इट कैन बी केप्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रिजर्वेशन नेक्स्ट मेथड आता है दैट इज फ्रीज ड्राइंग हियर इन दिस फ्रीज ड्राइंग मेथड इट इज अ लेंथी प्रोसेस और ये एक्सपेंसिव भी है

पहले तो फिश को प्रिजर्व रख करके रखेंगे एंड देन हियर दिस फ्रीज्ड फॉर्म ऑफ आइस इट इज कनवर्टेड इनटू द वाटर वेपर और इसी को ही हम बोलते हैं सब्लिमेशन इसी प्रोसेस में जो है जो भी फिश का कलर होगा न्यूट्रिएंट कंटेंट होगा वो एज इट इज प्रिजर्व रहता है और फिश को जो है फ्रोजन किया जाता है एट -20 डिग्री सेल्सियस इन द फ्रीजिंग चैंबर और जैसे ही फ्रीजिंग

फ्रॉम द फिश इन टू द एनवायरमेंट सो जिसके वजह से जो वॉटर कंटेंट होगा फिश का वो कम हो जाएगा और वॉटर कंटेंट कम होने से डिहाइड्रेशन ऑफ द फिश जिसकी वजह से फिश जो है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगी सो इंटेंस सोल्टिंग किया जाता है और इसी प्रोसेस में जो माइक्रोब्स हैं दे आर ऑल्सो किल्ड और डाइस्टिस प्रोसेस भी स्टॉप हो जाता है Here, in the सेपरेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स सो डायस्टेसिस की प्रोसेस भी स्टॉप हो जाएगी जो भी बॉडी पार्ट्स हैं दे आर गोइंग टू रिमेन इंटैक्ट बिफोर सोल्टिंग सोल्टिंग करने के पहले जो फिशेस है उनका हेड रिमूव किया जाता है एंड और उनके इंटरनल ऑर्गेन्स भी हैं वो भी रिमूव किए जाते हैं और फिर सॉल्टिंग करके उनको स्टोर किया जाता है सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्टिंग लाइक ड्राई सोल्टिंग कोल्ड सोल्टिंग लाइट सॉल्टिंग एंड स्ट्रॉग सॉल्टिंग

क्रश करके स्प्रेड किया जाता है फिशेस के ऊपर इन इन दिस प्रोसेस इट आउट द कोल्ड रूम ओनली जहां पर टेंपरेचर जो है करीबन टू टू थ्री डिग्री सेल्सियस रहेगा इसी को ही हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड एस लाइट कोल्ड सोल्टिंग और स्ट्रॉन्ग सोल्टिंग प्रोसेस में जो है ये कंडक्ट किया जाता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर में और जहां पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट का यूज किया जाएगा इट इज अडोप्टेड बाय नंबर ऑफ फिशरमैन एट द सी शोर मतलब किनारे समुद्र के किनारे एंड द स्मॉल साइज फिशेस आर सन ड्राइड एंड प्रिजर्व फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज ड्राइंग ड्राइंग मेथड जो है ये भी बहुत बहुत ही ही पुराना और बहुत ही common practice है fish preservation का जो कि इंटेंसिटी ज्यादा हो वहां पर ड्राइंग टाइप का प्रिजर्वेशन फिशेज में ज्यादा देखने मिलता है सो so सनलाइट ये तो चीपेस्ट है ही और अबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो क्यों ना सनलाइट को यूज किए करें फॉर प्रिजर्विंग द फिशेज चीपेस्ट मेथड है सो so, इस तरीके से स्मॉल फिशेज को जो है ड्राई किया जाता है और फिर स्टोर किया जाता है पलटना भी पड़ता है ताकि complete, मतलब की कम्प्लीट बोधा साइड से फिश का जो है कम्पलीट ड्राइंग हो सके और इसी प्रोसेस में जो कम्प्लीट डिहाइड्रेशन देखने मिलेगा और बाद में फिश को जो है स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं तो उनको कट करके पीसेज में उनको ड्राई भी कर सकते हैं सो इट इज द बेस्ट एंडेक्ट मेथड फॉर लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन नेक्स्ट आता है सन क्यूरिंग इट इज अ लिटिल बिट एडवांस मेथड जहाँ पर द सिंपल सन ड्राइंग इन बॉडी ऑफ सिम्पल इज ओपन तो यू कैन सी जो बॉडी है फिशेज की वो ओपन कर दी गई है फ्रॉम द वेंट्रल साइड और उनके अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स हैं और इवन गिल्स रिमूव कर दिए गए हैं क्योंकि गिल्स में जो है देर आर यूज नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इसीलिए इंटरनल ऑर्गेन्स और गिल्स को जो है रिमूव कर देते हैं और फिर इंटरनल ऑर्गेन्स और गिल्स को रिमूव करने के बाद इन फिश को जो वॉश किया जाता है और फिर सॉल्ट किए करेंगे इन द रेशियो वन इज टू थ्री टू वन इज टू एट अगर लार्ज साइज फिशेस है तो हम यूज करेंगे eight, है तो गोइंग टू वेरी सोल्ट का होगा थ्री सो दिस इज रिलेटेड विद द साइज ऑफ द फिशेज नेक्स्ट कम्स अ मोना क्योरिंग मोनाक्योरिंग इट इज सिमिलर टू द सन क्योरिंग लेकिन डिफरेंस ये है कि जो भी इंटरनल ऑर्गन्स रिमूव किए जाते हैं द इंटरनल ऑर्गेन्स ये आर रिमूव फ्रॉम द माउथ किसी भी तरीके का इन फिश के ऊपर कट नहीं किया जाता ना ही कोई इंसीशन किया जाता है तो गिल्स तो रिमूव किए ही जाते हैं उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट इंटरनल ऑर्गेन्स लाइक इंटेस्टाइन इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द माउथ इस तरीके से मोना क्योरिंग किया जाता है एंड दिस इज हाउ द फिश दे आर गोइंग टू बी ई विसरेटेड फिश विसरेटेड का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स एंड नाउ द फिशेस दे आर ई विसरेटेड फिशेस मतलब विदाउट इंटरनल ऑर्गन्स और इस तरीके से इंटरनल ऑर्गन्स को रिमूव करके इन फिशेस को क्लीन किया जाएगा एंड देन सॉल्ट किया जाएगा एंड देन द ड्राइंग प्रोसेस इज डन नेक्स्ट आता है दैट इज अ वेट क्योरिंग इन दिस वेट क्योरिंग प्रोसेस इट इज आल्सो कॉल्ड एज सन क्योरिंग डिफरेंस ये है दैट इन दैकेजिंग ऑफ सॉल्टेड फिश सो ही सॉल्टेड फिश के साथ सॉल्टेड फिश जो है इनको पैकेज किया जाता है ओके एंड ही द फिश दैट इज फैटी फिश इट इज यूज दैट इज वेट क्योरिंग इज डन नेक्स्ट कम द कैनिंग कैनिंग काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है फिश प्रजर्वेशन का और ये इट इज नॉट कॉमनली यूज ज्यादा कॉमन नहीं है लेकिन कुछ कंट्रीज हैं कुछ एडवांस कंट्रीज लाइक द अमेरिका फ्रांस जापान स्पेन वेर द कैनिंग टाइप ऑफ फिश प्रजर्वेशन इट इज सीन

टेम्परेचर ऑफ द स्मोक जो है स्मोक का वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा एंड इट इज गोइंग टू बी कंट्रोल सो स्मोकिंग या तो हॉट स्मोकिंग होगा दूसरा होगा दट इज कोल्ड स्मोकिंग इन द कोल्ड स्मोकिंग मेथड द फिशेस दे आर ड्राइड सॉल्टेड एंड दे आर एक्सपोज्ड टू द स्मोकलेस फायर और टेंपरेचर होगा करीबन 38 डिग्री सेल्सियस और फिर उसके बाद रियल स्मोक को एक्सपोज किया जाएगा इन फिशेस को एट 28 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट आता है हॉट स्मोकिंग इन दिस प्रोसेस फ्रेश फिशेस दे आर यूज्ड एंड फिशेस आर सब्जेक्टेड टू अबाउट 130 डिग्री सेल्सियस ऑन स्ट्रांग फायर और फिर उनको जो है द्वारा प्रिजर्वेशन करना फिश को ज्यादा देखने नहीं मिलता इस तरीके से जो है हमारा फिश प्रिजर्वेशन टेक्निक का वीडियो खत्म होता है सो थैंक यू वेरी मच